हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पेपर को आप हल कर देते हो, इंग्लिश का पेपर है, अगर इस पेपर को हल करके जाते हो, सारे क्वेश्चन आपको याद है, गारंटी है मेरे की 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 817 DK कोड है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितने प्रश्न है सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेते हो तो ये 70 में 70 नंबर आप लोगों का टारगेट जो है बिल्कुल इंग्लिश में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे नाम अपना डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब नीचे आएंगे तो इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 आवर्स 15 मिनट्स। 3 आवर्स 15 मिनट्स में इस पेपर को आपको सॉल्व करने होंगे एग्जाम में। नोट में आपको पहला नोट बोला है यहाँ पे कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि जो शुरू के 15 मिनट जो आपको मिलेंगे वो रीडिंग द क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 आवर्स में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। दूसरा बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। इसके बाद देखिये जिसमें से सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए क्या है कि सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओएमआर शीट। सेक्शन ए में जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैंडिडेट चूज करेगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसको फिलअप करना पड़ेगा आपको ओएमआर शीट में कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा है कि सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या है कि सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 50 नंबर के। इसके बाद पांचवा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सारे क्वेश्चन जो है करना क्या है, कंपल्सरी है सभी क्वेश्चन। इसके बाद है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड एज एन क्वेश्चन, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के आगे बताया कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है। तो यह तो आप लोगों का था मेरे प्यार बच्चों नोट जो कि हमने आप लोगों को बताया। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा मेरे प्यार बच्चों सेक्शन ए, सबसे पहले यह स्टार्ट होगा आप लोगों का सेक्शन ए। और देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्नों का उत्तर आप दोगे उसमें एक पैसेज दिया है, पैसेज को आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। 3 क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का है। तो देखिए ये पैसेज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये पैसेज है। मैंने कहा था कि पैसेज सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप पैसेज को ना पढ़ो, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, मतलब सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तब जाके आप पैसेज में देखो। तो पैसेज में बोला है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, देखो ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ग्रेट वो लीडर थे। तो वही प्रश्न पहला पूछ दिया है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, अ ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट तो थे नहीं भाई, ग्रेट आर्टिस्ट आर्टिस्ट थे नहीं, ग्रेट लीडर बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने पैसेज में वहां पे लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, अ ग्रेट लीडर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हुज स्टेटमेंट इज दिस, मतलब यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस का ही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे कि ही सेड हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम। देखो पैसेज में दिया ना, तो कौन कहे थे, सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार पैसेज से क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर का आएगा, पहला पैसेज में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको कौन ऑर्गेनाइज्ड किए थे, तो बिल्कुल कौन ऑर्गेनाइज किए थे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, तो कौन ऑर्गेनाइज्ड किए थे भाई, सुभाष चंद्र बोस ही तो किए थे, ठीक है, उन्हीं की तो बात हो रहा है इस पूरे पैसेज में। तो बिल्कुल कौन ऑर्गेनाइज किए थे, सुभाष चंद्र बोस, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 नंबर कितना आसानी से आ गया, मात्र इस पैसेज को पढ़ने से 3 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा। देखो अब क्वेश्चन बोला है कि 4 से लेकर 8 तक जितने भी प्रश्न है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब कि सही ऑप्शन पे चूज करना है,
पांच प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से पांच नंबर मिल जाएगा। जैसे बोला है यहाँ पे कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन असैसिनेटेड। अब इसमें बताना है कि क्या भरा जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ब भरा जाएगा, आर भरा जाएगा कि हैज बीन भरा जाएगा कि हैव बीन भरा जाएगा कि हैव हैड बीन भरा जाएगा, इसमें से कौन भरा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन असैसिनेटेड, ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो पांचवा है कि आई वॉन्ट टू बाई, मैं चाहता हूं खरीदना क्या लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह में कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं, तो लैपटॉप एक कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि नो आर्टिकल्स भरा जाएगा। तो भाई लैपटॉप एक लैपटॉप, तो एक मतलब ए का प्रयोग होगा, और यहाँ पे एल से स्टार्ट हुआ है मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है इसलिए ए का प्रयोग होगा, ठीक है, सिंपल पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 6 की दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल हाउ मच डू दे कॉस्ट। देखो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन किया गया, अब बताना कि ब्यूटीफुल है क्या, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि ब्यूटीफुल मतलब कि क्या, सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया वही तो एडजेक्टिव कहलाता है, तो एडजेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां देखो बोला है कि डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस ईयर। अब इनको अरेंज करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है, किसको अरेंज करेंगे तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें नॉट है कि नहीं, नॉट है। तो देखो जब भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम लोग इसको जब सेंटेंस बनाते हैं, डू जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम लोग इस सेंटेंस में देख पा रहे हो कि सबसे पहले लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो डू, डू के बाद हमेशा नॉट आएगा, जब भी डू के बाद नॉट आएगा तो नॉट हमेशा आएगा, तो डू के बाद इसमें नॉट नहीं, ये तो होगा नहीं। योर प्रीवियस टाइम वेस्ट डू नॉट, ये भी नहीं होगा। तो देखो डू, डू बिल्कुल सही, डू के बाद नॉट आएगा, नॉट आएगा बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे आ गया योर प्रीवियस टाइम वेस्ट, नहीं नहीं, वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले गलत छाटना शुरू करो, जैसे में हमने दो गलत तुरंत छाट लिया, इसके बाद दो में हमने कंपैरिजन किया, तुरंत हमको मालूम चल गया नहीं यार ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से कौन सा गलत वर्ड है ये हमें बताना है, ठीक है, कौन सा गलत वर्ड कह रहा हूं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब कौन सा बिल्कुल सही है। Find the correctly spelled word मतलब होता है कौन सा इन चारों में से सही है। देखो servant की spelling ये होती है क्या, बिल्कुल नहीं, servant की spelling होती नहीं, servant की ये होती है, नहीं नहीं, servant बिल्कुल, देखो servant की spelling तो यही होती है, S E R V A N T, servant की spelling तो यही होती है ना, बिल्कुल करेक्ट है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक मात्र दो क्वेश्चन है, उनमें कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी अनसीन पैसेज आ गया, और दो नंबर के लिए इसमें भी एक पैसेज दिया है, बट से स्टार्ट है और यहां तक है, बोल्ड वन तक, यहां तक इतना बड़ा हमें दे दिया पैसेज, और इसके नीचे दो क्वेश्चन दिया है, एक 9 एक 10। अब हम पढ़ के बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मैंने क्या बताया कि पैसेज को तो पहले पढ़ना नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग उसी पैसेज में से हम लोग आंसर बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन 9 है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, इसमें से क्या सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे लिखा है कि आई सामने देखा दैट इट वाज द जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, दैट वाज कर्टेल्ड, तो कर्टेल्ड का है भाई सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल 9 का सही हो जाएगा। इसके बाद 10 मेरे प्यारे बच्चों, 10 वाला क्वेश्चन क्या है, तो देखो 10 वाला है यहाँ पे कि द आथर फेल्ट द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर, द आथर जो है बताता है ग्रेटेस्ट हंगर फॉर किसको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से मिल जाएगा कि द ग्रेटर हंगर किसको बताया, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फ्रीडम ऑफ इज पीपुल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इतना आसान होता है पैसेज वाला, उसमें आसानी से आंसर ला दोगे, उसी का हम लोग क्वेश्चन देख के कॉमन वर्ड ढूंढना चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि द ग्रेटेस्ट हंगर, तो देखो ग्रेटर हंगर कौन किसे कहा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो ये हो जाएगा द फ्रीडम ऑफ इज पीपुल, सिंपल। इसके बाद देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी 11 से लेके 13 तक बताना है आप लोगों को, तीन प्रश्न है 3 नंबर के लिए। जैसे यहां बोला है 11वां प्रश्न कि लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, जब लेंचो उठा तो सुबह जब देखा तो सुबह क्या उसने देखा, मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है सुबह जब देखा तो वो देखा कि वर्षा हो रही थी, रेन हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग पढ़े हो चैप्टर तो इतना तो मालूम होना चाहिए। फिर 12वां प्रश्न देखो कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, ठीक है, द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर। जब आप चैप्टर पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चैप्टर वाले क्वेश्चन है। 13वां है कि द नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, इसका हो जाएगा क्या कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 15 तक दो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट दे दिया, पोयम का एक स्ट्रिक्ट दे दिया है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हो 3 लाइन यहाँ पे हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, और एक लाइन और नीचे दिया हुआ है जो कि इधर है, उसी में एक लाइन नीचे भी है, ऑफ अ डे आई हैड अ रीड। अब इसी को पढ़कर इसके नीचे क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताना। जैसे 14 कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, कह रहा कि द कौवे का जो मूड था वो क्यों देख के चेंज हो गया, ठीक है, क्या देखकर कौवे का मूड जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए चेंज हो गया कि सेइंग द नो फ्रॉम द ट्रीज, सेइंग द नो फ्रॉम द ट्रीज, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 15 है कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चांस इन लाइफ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न छोड़ के आइएगा मत, एग्जाम में मैं पूरा विथ सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। जैसे इसमें बोल रखा है यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, मतलब ट्रिकी को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअल प्रॉब्लम इसलिए थी कि ओमेटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज्यादा खाना खाने से उसको क्या हो गया था, ओमेटिंग आ रही थी, उल्टी आ रही थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 17वां प्रश्न, हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, मतलब हरी चाहता था विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ही वॉज प्लानिंग टू चीट यंग मैन, मतलब वो क्या करता था, पहले वो प्लानिंग करता था नौजवान जो व्यक्ति थे उनको वो क्या करता था, प्लानिंग के साथ चीट करता था, ठीक है। चलिए इसके बाद है 18वां कि एजुएबल वॉज नॉट एट ऑल वॉट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मीन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ही वॉज फेट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 है कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब एब्राइट जो था वो बचपन में क्या कलेक्ट करता था, तो बचपन में मेरे प्यारे बच्चों क्या कलेक्ट करता था, तो देखो बटरफ्लाइज भी क्वाइंस स्टंप, ये तीनों वो कलेक्ट करता था, इसलिए ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। फिर 20वां है कि ग्रिफिन था क्या था, तो ग्रिफिन सबको मालूम है कि साइंटिस्ट था, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन बी आएगा। देखो सेक्शन बी में 21वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब अनसीन पैसेज आ गया कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पैसेज दे दिया, देखो और रीच से लेकर यहां तक दिख रहा है ना आपको, पूरा दिखेगा अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, यहां तक देखो, यहां तक मैं दिखा देता हूँ,
ऊपर से लेकर नीचे तक। इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है। देखो अनसीन पैसेज का आंसर कैसे लिखते हैं, मेरे पे मैं ट्रिक बना चुका हूं, आप देख लेना कि अनसीन पैसेज का आंसर कैसे लिखें, ट्रिक विथ बाई सम्राट एकेडमी, ठीक है, तुरंत आ जाएगा मेरे चैनल पे, जैसे सर्च करोगे तुरंत दिखा देगा। हालांकि मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं ताकि पेपर में कर लेना। पहला है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड्स, यह प्रश्न दो नंबर के लिए है, ठीक है। देखो इसका आंसर लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का आंसर है कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू अ गार्ड द रिच मैन हाउस एट नाइट, एवरी डे द बर्ड्स केम एंड सॉ द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा। मैंने बताया है ट्रिक कि किस प्रकार नहीं आएगा तो किस प्रकार आंसर लिखोगे, ट्रिक देख लेना। हालांकि मैं इसमें पूरा इस पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूं तो मैं आंसर इसका बताऊंगा पूरा। बी वाला है व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर, और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, दो नंबर का है। तो देखो इसका आंसर बी वाला आंसर यहाँ लिखा, क्योंकि वन डे द बर्ड्स फेल इनटू अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, द डॉग सॉ दिस एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर इनफ टू रीच द ट्यूब, ही टूक द बर्ड्स आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड सेव्ड हर, ठीक है, ये बी वाला का आंसर है। इसके बाद सी वाला मेरे प्यारे बच्चों की वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, ये भी प्रश्न कितने अंक का है, दो नंबर का है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला लिखोगे कि द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गॉड गार्ड हिज हाउस एट नाइट। इसके बाद लास्ट है कि फाइंड आउट व्हाट इज द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर, मतलब इस पैसेज में नियर का अपोजिट क्या है, तो नियर का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा, मतलब डी वाला क्वेश्चन फार, नियर का फार ही तो अपोजिट होता है, एक नंबर का है तो एक नंबर यहां से, ठीक है। तो इस पैसेज से दो दो चार छह सात नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, इसका आंसर याद कर लेना जरूर से, सात नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, चार नंबर, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आपका ए दिया है एक बी दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, और दोनों में से जब कोई एक करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको चार नंबर मिलेंगे, कितने, चार नंबर। तो या तो आप ए कर लो या तो आप बी कर लो, ठीक है, या तो आप ए कर लो या तो आप बी कर लो। तो हालांकि मैं आपको बी वाला बता देता हूं, ठीक है, कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा मतलब हर साल आपके एग्जाम में आता है, और इस बार भी तो आप लोगों का पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन ये लिखने में बहुत आसान होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं बी वाला। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं बी वाला बता देता हूं कि एक लेटर कैसे लिखें। अगर अपने भाई या बहन की शादी में आपको जाना है तो आप कैसे एक उनके इनवाइट के लिए कैसे एक लेटर लिखोगे, ठीक है। देखो तो देखो यहाँ पे आंसर लिखो 22 का बी वाला आंसर हम लिख रहे हैं। पहली बात कि उनका एड्रेस लिखो कि उनका फुल एड्रेस क्या है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप उनका एड्रेस लिख लो, एड्रेस जब लिख रहे हो तो डेट लिख लो, डेट लिखने के बाद डियर अग्रिम मतलब जो भी अपने फ्रेंड या जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखो, तब जाके पूरी कंडीशन लिखो कि आई होप दिस लेटर फाइंड यूर इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू अ वेरी स्पेशल इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर फैमिली, माय इल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड एंड इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी इफ यू कुड अटेंड हर वेडिंग, द वेडिंग सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 7th मई 8 PM इन संस्कृति रिसोर्ट मेरठ, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड अफेयर विथ लॉट्स ऑफ फूड म्यूजिक एंड डांसिंग, माई सिस्टर हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज टू दिस डे। इसके नीचे और लिखोगे, उसी के नीचे लिखोगे कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट वुड बी अमेजिंग इफ यू कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एज यू नो माई सिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड योर प्रेजेंस वुड मीन अ लॉट टू बोथ हर एंड मी, आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द वेडिंग एंड आई विल गेट अ चांस टू मीट सम ऑफ माई अदर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो इफ
यू आर एबल टू अटेंड द वेडिंग सो दैट वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ठीक है, अब देखो पूरा कंडीशन आपने लिख दिया, बस यह इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 से लेकर 100 वर्ड तक लिखना है, और यह 6 नंबर के लिए प्रश्न। इसमें भी ए और बी दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। या तो राइट अ रिपोर्ट ऑफ साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, ठीक है, या तो आपके साइंस एग्जीबिशन है कॉलेज में उसके लिए आप एक रिपोर्ट लिख लो, या तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिक्स ऑफ हिंट गिवन बिलो। या तो आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उस पर एक आर्टिकल आप लिख लो। हिंट आपको दिया है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कीप योर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज, कैंकुलेशन, इतना चीज उसमें होना चाहिए। तो मैं इसी को करा देता हूं आप लोगों को कि डेली एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उसके क्या लाभ है। ठीक है, तो देखो पहले आप हेडिंग डालोगे इंपोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के क्या इंपोर्टेंस है। इसके बाद लिखोगे कि एक्सरसाइज इज बेसिकली एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म ऑन अ रिपीटेटिव बेसिक फॉर रिलैक्सिंग आवर बॉडी एंड टेकिंग अवे ऑल द मेंटल स्ट्रेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, व्हेन यू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस यू बिकम फिट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। फॉर मोर ओवर नॉट एक्सरसाइजिंग डेली कैन मेक अ पर्सन सबस्टिबल टू डिफरेंट डिसीज, दस जस्ट लाइक ईटिंग फूड डेली we must also exercise daily. Exercise has a lot of benefit in today's world. First of all, it is help in maintaining your weight. Moreover, it also help you reduce weight if you are overweight. It is because you burn calories when you exercise. Further, it help in developing your muscles. Thus, the rate of your body will increase, which help to burn calories. Moreover, it also help in improving the oxygen level and blood flow of the body. When you exercise daily, your brain cells will release frequently. It is essential to exercise for mental and उसमें आगे और लिखोगे मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, दस एक्सरसाइज इज इंपोर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क रेस्ट एंड एक्टिविटीज, सो मेक श्योर टू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, इतना लिखोगे तब जाके आपको 6 नंबर मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि rewrite the flowings by changing into indirect speech. दो नंबर के लिए है, एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि the father said to daughter, why are you disturbing me in this way? इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, दो नंबर के लिए है। तो देखो इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो कैसे बन के आएगा, तो वो बन के आएगा ये वाला। देखो पहला लिखो, the father asked his daughter why she was disturbing him in that way. ठीक है, ये उसका आंसर है और दो नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे जो बी वाला है कि चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, दो नंबर के लिए ये सेंटेंस आपको दिया है कि आई नो हिम वेरी वेल, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई नो हिम वेरी वेल को तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो यह बन जाएगा आपका ही इज वेल नोन टू मी, ही इज वेल नोन टू मी। इसके बाद तीसरा है कि पंक्चुएट द फ्लॉमिंग, दो नंबर के लिए देखिए यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया है, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इसको पंक्चुएट करना है, कामा लगाकर, फुल स्टॉप लगाकर, फिर इसको कैपिटल लेटर का प्रयोग करके
इसको हमें पंक्चुएट करना है, इस सेंटेंस को देख लो, इस सेंटेंस को देख लो, इसका जब पंक्चुएशन करेंगे तो वो सेंटेंस इस तरह बन के आएगा, आई पहले कैप्टन में था, अरे स्मॉल में था तो उसको हमने बड़ा किया, आई सेड टू श्याम, फिर कामा लगाया, फिर डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फिर फुल स्टॉप, फिर डबल इनवर्टेड कामा से हमने क्लोज किया, तब जाके दो नंबर मिलेगा, हमने पंक्चुएट करके इसको लिखा है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों डी वाला देखिए, डी वाला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों देखी, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत क्या थी, सुंदर थी। इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, पहले आप हिंदी को नोट कर लो, इसके बाद जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो कुछ इस प्रकार देखने को आपको मिलेगा कि वन डे एक दिन आई वेंट फॉर वॉट इन टू गार्डन, मैंने हमने टहलने गया गार्डन में बगीचा में विथ माई फ्रेंड, फ्रेंड के साथ, इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स विन ब्लूम्स, ठीक है, हमने फूल देखे बसंत मौसम में, वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज देर, वहां बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां थी, और देर वाज सा स्पैरो विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, बस बन गया। ये उसका ट्रांसलेशन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हिंदी था ये इंग्लिश था। और कितना नंबर दिला के जाएगा, चार नंबर आपको दिला के जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न है, 3-3 नंबर के हिसाब से मिलेगा। ए वाला देखो, ए वाला है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है तो मैं पहला वाला आप लोगों को बता देता हूं, पहला वाला कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेटर लेंचो को मिला, ठीक है, तो वो क्रोधित क्यों हुआ। तो देखो 25 का ए, ठीक है, उसका आंसर नोट करो कि लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, लेंचो वाज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन God made him think that God would give him the 100 pieces he had asked from him on seeing that he had only received 70 pieces. ठीक है? He thought that the employees of the poet office and had stolen the rest of the money. This made Lencho angry. ठीक है? उसका यह आंसर है। तो दोनों में से कोई एक ही करना था, हमने एक करके दिखा दिया। इसके बाद बी वाला है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। अगर ये प्रश्न नहीं करते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ ये वाला कि व्हाई डिड द यंग सीगल्स नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिम प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कह रहा हूं, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मेरे प्यार बच्चों यहां हम ये वाला करके दिखा देते हैं आप लोगों को, बी वाला। यहाँ पे मैं आप लोगों को बी नहीं ए वाला कर देता हूँ क्योंकि आसान है। Why does anyone to keep a diary? ये वाला मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है, पहला वाला बी का पहला। तो देखो नोट करो यहाँ आंसर, anyone to keep a diary as she did not have a friend। वो डायरी अपना इस पास रखना चाहती थी क्योंकि अपने फ्रेंड को देना नहीं चाहती थी वो, ठीक है, बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंसर एनी ऑफ द फ्लॉमिंग्स इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आंसर लिखना है। दो क्वेश्चन है, ए और बी, ए और बी दोनों में से कोई एक ही का आंसर देना है और चार नंबर आपको ले जाना है, ठीक है। तो मैं पहला वाला दे देता हूं कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, इसका मैं आंसर आपको दे देता हूं। चलिए नोट कीजिए 26 का ए आंसर, द राइटर से दैट द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबियक डिस्केंट, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड, उसी के नीचे लिखना एंड के बाद आप लिखोगे कि वाज सेटल्ड देयर, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, द ऑथर ऑल्सो टॉक एंड एक्सप्लेन
अबाउट द ड्रेस दैट दे वियर जस्ट लाइक द अरेबिक नॉन कुफिया कुर्ग इज अ प्राउड ड्रेस ऑफ मार्शियल मैन एंड ओमेन दे हैव अ ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटीज दे एंजॉय रिकाउंटिंग न्यूमरियस टेल्स ऑफ वेलर्स ऑफ देयर सन्स ऑफ एंड फादर्स। ठीक है, यह होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। इसके बाद 27वां देखो मेरे प्यारे बच्चों, 27 है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्रीज, मतलब द ट्रीज का मेन थीम्स क्या है वो लिखना है आप लोगों को। ठीक है, द ट्रीज का 3 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं लिख पाते हो तो और करके एक ऑप्शन और दिया है, ये नहीं लिख पाते हो तो और करके एक ऑप्शन दिया है कि राइट द 4 लाइंस फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवेन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब कि 4 लाइन का कोई पोएम लिखो जिस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या तो द ट्रीज का मेन थीम्स लिखो या तो कोई 4 लाइन का पोएम लिखो। तो चलो मैं 4 लाइन का पोएम ही बेटर समझूंगा, पोएम लिख लो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, बस इतना सिंपल है। ठीक है, और नंबर पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर 28 देखो, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर मिलेगा सेंट्रल आइडिया पे, या तो डस्ट ऑफ स्नो का लिखो, या तो टाइगर इन जू का लिखो, या द बॉल पोएम का लिखो, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो, 3 नंबर ले जाओ। तो मैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपको बताता हूं। तो देखो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालोगे, फिर डालोगे ए वाला डस्ट ऑफ स्नो, फिर लिखोगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वॉन्ट टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन, दे वे क्रॉस शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग्स यूजफुल। बस ये डस्ट ऑफ स्नो का क्या है, सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमने आप लोगों को बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग सीन इन अबाउट 60-40 वर्ड, 3 नंबर का प्रश्न है, या तो ए वाला करो या तो बी वाला करो। मैं ए वाला आप लोगों को बता देता हूं कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, इसका मैं आंसर बता देता हूं, नोट करो। तो नोट करोगे आंसर ए वाला, टू सेव हिमसेल्फ ही टुक ऑफ हिज क्लोथ एंड बिकेम इनविजिबल बिफोर पीपल्स कुड फाइंड हिम, बस इतना छोटा आंसर है, 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर के लिए प्रश्न है, या तो आप ए करो या तो बी करो, दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर आपको मिलेगा। मैं ए वाला बता देता हूं कि व्हाट रोल डिड द नॉन एक्साइटेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, 60 वर्ड में लिखना है, तो 60 वर्ड में तो लिखना पड़ेगा। इन फैक्ट देयर वाज नो बालकनी आउटसाइड द रूम ऑफ यूजुअल, दिस नॉन एक्साइडेंट बालकनी प्ले अ डिसीव रोल इन द स्टोरी मेक्स बिलीव्स एजुएबल मेड अप अ स्टोरी ऑफ द बालकनी व्हेन देयर इज अ नोक एट द डोर एजुएबल से टू मेक्स दैट इट वुड बी द पुलिस मैक्स इज फ्राइटेंस एंड जम्प्स इन टू अ बालकनी टू हाइड मैक्स जम्प्स टू हिज डेथ एंड दिस ब्रिंग द स्टोरी टू इट्स एंड एजुएबल वॉज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट ही इजली गॉट रीड ऑफ अ डेंजरस पर्सन मैक्स बाई इन्वेटिंग द स्टोरी ऑफ बालकनी, बस कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हमने आंसर बता दिया। अब ये जो वायरल पेपर है 817 डी के, मैंने पूरा इस पेपर का सोल्यूशन बताया, एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा तैयार करके आपको जाना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 100% ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, आप पूरा का पूरा 70 में 70 करके आओगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।